हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो अनुच्छेद 171 के तहत आता है। हम लोग विधान लोकसभा देखे, राज्यसभा देखे, विधानसभा देखे, संसद देखे। यदि आप मेरा वो सब वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनाओ, आप जाके देखिए। हाँ, हम आपको गारंटी देते हैं सीटेट तो आ गया है। जो भी आर्ट्स का स्टूडेंट है, यदि क्वेश्चन बाहर जाएगा तब हमसे बोलिएगा। यदि एक आध क्वेश्चन छूटा भी है तो फिर हम उसके लिए भी वीडियो ला देंगे, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्या बोलता है कि पॉलिटी में इतना पढ़ेंगे क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन कहाँ से। वो अब ये सोचिए ना कि गति का नियम का जो आविष्कार किया था वो न्यूटन किया था, ठीक है। अब न्यूटन का दादा का नाम क्या था, दादी का नाम क्या था, उसकी परदादा का नाम क्या था, इससे आप मतलब क्यों रखते हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें रखिए, स्मार्ट तरीके से पढ़िए, एग्जाम निकलेगा, हम गारंटी लेते हैं उसका, ठीक। लेकिन आप हम जितना बोलेंगे आपको उतना मेहनत करना होगा, नोट्स बनाना होगा, हम जो भी पढ़ाते हैं, ठीक। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विधान परिषद। नहीं तो कोई कोई बोलेगा पाँच लाइन लिख दिया, पाँच लाइन में क्वेश्चन आएगा। एक्सपीरियंस बोलता है भाई, हम एग्जाम खुद निकाले हुए हैं, एक्सपीरियंस बोलता है। हम आपको थोड़ी उल्लू बना रहे हैं और हम खुद आपके साथ टेट का तैयारी कर रहे हैं। आप लिखिएगा, हम भी लिखेंगे, ठीक है। तो विधान परिषद, तो विधान परिषद को बोलते हैं उच्च सदन। नहीं, जैसे हम लोग राज्यसभा को क्या बोलते थे, उच्च सदन, अपर हाउस इंग्लिश में ना, तो यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन बोलते हैं, ठीक। विधान परिषद के लिए उम्र क्या होना चाहिए, 30 वर्ष। इसका सदस्यता पाने के लिए आपको उम्र 30 वर्ष होना चाहिए, लेकिन विधानसभा के लिए 25 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो क्या बोले थे, विधान परिषद का तुलना राज्यसभा से करेंगे और लोकसभा का, विधानसभा का तुलना लोकसभा से करेंगे। समझ में आया कि नहीं। तो चलिए, ये बोलता है कि वर्तमान में केवल 6 राज्य में विधान परिषद इस्टेब्लिश है। तो क्या झारखंड में विधान परिषद है, तो झारखंड में विधान परिषद नहीं है। पहले जो विधान परिषद था वो 7 राज्य में था। जब से जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो जम्मू कश्मीर तो हट गया इससे ही, तो अभी वर्तमान में 6 राज्य में आपका विधान परिषद है, ठीक है। पहले 7 राज्य में था, तो जम्मू कश्मीर खत्म हो गया, तो अभी 6 राज्य में विधान परिषद है। उसका नाम आपको जान के रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन में इसे पूछ देगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, कर्नाटक में भी विधान परिषद है, तेलंगाना में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है और आंध्र प्रदेश में भी है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, ये 6 राज्य ऐसा है कि विधान परिषद का व्यवस्था है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोलता है कि विधान परिषद की सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 हो सकता है। नहीं, विधान परिषद का जो सदस्य का जो संख्या होगा उस राज्य के जो विधानसभा है ना उसका 1/3 होगा, ठीक। इसका मतलब समझ लीजिए कि यदि विधानसभा में कितना आदमी, 9 सदस्य है, तो विधान परिषद में कितना होना चाहिए, 9 × 1/3, 9 × 1/3 माने 3 × 9। यदि विधानसभा में 9 सदस्य है तो विधान परिषद में 3 ही होगा, लेकिन कम से कम 40 तो होना ही चाहिए, 40 से कम नहीं चलेगा, ठीक। एक अपवाद में जम्मू कश्मीर था जहां 40 से थोड़ा कम था, 40 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है, सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक। और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें सभापति एवं उपसभापति होते हैं। लोकसभा में, ये विधानसभा में क्या होता था, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते थे, इसमें सभापति उपसभापति, जैसे राज्यसभा में सभापति उपसभापति। त्यागपत्र के मामला में सभापति उपसभापति को दे सकता है और उपसभापति सभापति को अपना त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राज्यपाल विधान परिषद में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, तो राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। और ये जो सदस्य हैं, साहित्य, कला, ठीक है, सामाजिक कार्य जो कर रहे हैं, वो सारे क्षेत्र से आपका आते हैं। अब बोलिएगा कि सर 1/6, 1/12 भी है, बहुत सारा है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछता है कि राज्यपाल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, तो राज्यपाल जो हैं 1/6 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं विधान परिषद में, ठीक। तो विधान परिषद से ना यही इतना ही क्वेश्चन बनेगा। यदि और कुछ क्वेश्चन बना लगेगा हमको नहीं वहां से बन रहा था,
तो हम और वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम आपको बता देंगे। लेकिन आप जो है ना उल्टा पुल्टा मत सोचिए, आप मेरा हमारे साथ बने रहिए, हम आपको गाइड करेंगे एकदम भाई दोस्त के जैसा। आपको कोई भी समस्या है आप हमको इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8969546938, इस नंबर में आप हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। व्हाट्सअप हो कुछ भी हो मैसेज कीजिए, कमेंट ई कीजिए, हम आपको भेजेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल इसी चैनल में।